नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और आप सभी दर्शकों का मैं अपने चैनल एमबी स्पीक पे स्वागत करती हूं। आज एक बड़ी खबर के साथ हूं मैं आपके साथ। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस माना है और आरिस को दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था। एनकाउंटर के दौरान आरिस भाग निकला था और 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। आरिस को इसी मामले में सजा सुनाई गई है। कोर्ट में बहस के दौरान आरिस की ओर से एडवोकेट एम एस खान ने अपनी दलील रखी। उन्होंने आरिस की कम उम्र का हवाला दिया और उसके लिए कोर्ट से उदारता की मांग की। वहीं वरिष्ठ लोक अभियोजक ए टी अंसारी ने मृत्युदंड की मांग की और कहा कि यह कानून प्रवर्तन अधिकारी एवं न्याय के रक्षक की नृशंस हत्या है। इस घटना से पूरा समाज स्तब्ध था। इसके बाद कोर्ट ने शाम 4 बजे तक के लिए ये फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए ये भी जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ था। उससे ठीक एक हफ्ता पहले 13 सितंबर को दिल्ली में 5 जगहों पे ब्लास्ट हुए थे और जिंदा बम भी मिले थे। 50 मिनट के अंदर इन पांच धमाकों में लगभग 40 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाकों की जांच कर रही थी, तब वह बाटला हाउस में L18 नंबर की इमारत में तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी। वहां इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मरने वाले 2 संदिग्ध आजमगढ़ के थे, 2 गिरफ्तार हुए थे और 1 फरार हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनकाउंटर में टीम का नेतृत्व कर रहे मोहन चंद शर्मा को 3 गोलियां लगी थी और उसी दिन उनकी होली फैमिली हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। इस दौरान मानवाधिकार संगठनों ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया और दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए थे। दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट मिल गई थी और 2013 में अदालत ने शर्मा की हत्या के आरोप में शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एक सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली के पूर्व ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर करनाल सिंह ने इस पूरे मामले पे कहा कि किसी एनकाउंटर के खिलाफ अपील करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, लोगों को उसके रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए और फिर अपना कमेंट करना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच की और इसे सही बताया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी। उन्होंने कहा कि बिना सबूत लोगों को किसी भी जांच एजेंसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज के फैसले से ये पता चलता है कि पुलिस ने सही जांच की थी और इसका श्रेय एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए मोहन चंद शर्मा और संजीव के यादों को जाता है। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को खोजने में मदद मिली और उनके नेक्सस का पर्दाफाश हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, इस पर लाइक कर सकते हैं और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इस पर अपना कमेंट भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।